रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आ गया आम आदमी के लिए डिजिटल रूपी, कैसे करेंगे इस्तेमाल, क्या है फायदे। देश में जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर शुरू हुआ है तभी से लोगों की कैश रखने की आदत छूट गई है, क्योंकि जब भी कहीं पेमेंट करनी होती है तो लोग भीम UPI फोन पे गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। बता दें भारतीयों के लिए अब कल से यानी 1 दिसंबर से डिजिटल रूपी आ जाएगा। RBI ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रूपी के लॉन्च का ऐलान कर दिया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन आज हम जानेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। रिटेल इस्तेमाल के लिए होगा लॉन्च 1 नवंबर 2022 को। केंद्रीय बैंक ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रूपी लॉन्च किया था, लेकिन अब सेंट्रल बैंक इस डिजिटल करेंसी CBDC को रिटेल इस्तेमाल के लिए भी लॉन्च कर रहा है। RBI के मुताबिक रिटेल के लिए डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। इसका शुरुआत में चुनिंदा लोकेशंस पर रोल आउट किया जाएगा। कैसे काम करेगा डिजिटल रूपी? जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रूपी भी देख और रख सकेंगे। डिजिटल रूपी को 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजेक्शन यानी बड़े ट्रांजेक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो जाएगी। दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा, जिसे 1 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है। CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहोगे उसे इससे पेमेंट कर सकोगे और उसके अकाउंट में ये पहुँच जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कैश, CBDC इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देगा। CBDC को पेपर नोट के साथ बदला जा सकेगा। कैश के मुकाबले ट्रांजेक्शन आसान और सुरक्षित होगा। ये बिल्कुल कैश की तरह काम करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजेक्शन पूरा होगा। एक तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश कह सकते हैं। पेमेंट का मीडियम EUPI क्या होगा? RBI के मुताबिक CBDC डिजिटल रूपी एक पेमेंट का मीडियम है, जो सभी नागरिक बिजनेस सरकार के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर होगी। डिजिटल करेंसी आने के बाद लोगों के पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। करेंसी नोटों का डिजिटल स्वरूप कैसे लेगा? E-रूपी एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा, यानी कि CBDC RBI की तरफ से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप ही है। इसका यूज लोग करेंसी की तरह ही लेन देन के लिए करेंगे। RBI के अनुसार ई रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। साथ ही QR कोड स्कैन करके भी इससे पेमेंट की जा सकेगी। ई रुपी के फायदे क्या हैं अब आपको बताते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में होगा मददगार। जेब में कैश रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। मोबाइल वॉलेट की तरह जी पेमेंट करने की मिलेगी सुविधा। डिजिटल रुपयों को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में आएगी कमी। बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ई रूपी। मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रूपी की वैल्यू। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।